बजा दिया पकड़ के जी। आईसीसी ने पाकिस्तान को, आईसीसी ने पीसीबी का पकड़ के जब घंटा बजा दिया, क्योंकि इन्होंने करवानी थी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने बोला वड़गी तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है, आपके पास तो स्टेडियम ही नहीं है। आईसीसी ने पकड़ के इनके अंदर डंडा दे दिया पकड़ के, क्योंकि पहले देखो, पहले हम लोगों ने बोला या हर बंदे ने बोला कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। इन्होंने मजाक समझा यार, ये फुदड़ हमें लगे हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, क्योंकि जी आईसीसी ने बोला हुआ है। अब आईसीसी ने बोला पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, क्योंकि भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए आपके पास कम से कम ग्राउंड्स होने चाहिए, स्टेडियम्स अच्छे होने चाहिए। वो कौन सी माए हैं जो रियान पराग जैसा बेटा पैदा करती हैं? आखिरी ओवर तो पूछो ही ना, उसने चौका मारा, फिर चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर चौका मारा, फिर सिंगल ले ली, अनबिलीवेबली परफॉर्म, डूब मरो बाकी सारे। जनाब रियान के बल्ले को खून लग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं आपको बताऊंगा कि रियान की जो एग्जिस्टेंस है आपको इंडिया की क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी। यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया है कि रियान वो बल्लेबाज है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में आपको अपना जलवा पूरी आबोताब के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में दिखाएगा। ऐसे हीरे इंडिया ने कहाँ छुपा के रखे। कल तक हम लोग कोहली की परफॉर्मेंस 77 पे बड़ा खुश हो रहे थे, आज हमें पराग ने बताया कि भाई इंडियन यंगस्टर्स जो है वो किसी से कम नहीं है, हम भी 48-44 बॉलों के ऊपर 84 का स्कोर, 84 का स्कोर सेट कर सकते हैं, कि सिर्फ 22 साल की उम्र में कर सकते हैं और वो इंडियन यंगस्टर्स ही कर सकते हैं। मुझे इतने बेहतरीन यंग प्लेयर्स इंडिया के अलावा कहीं से निकलते नजर नहीं आ रहे। यार पराग ने जिस तरह बैटिंग किया ना आखिरी ओवर के अंदर आके देखे, मतलब नोकिया को उसने 2 छक्के 3 चौके, मतलब उसकी बैंड बजा के रख दी। इंडिया इंडिया मैच फिनिशर ही पैदा कर रहा है, एक विराट कोहली मैच फिनिशर है, पराग मैच फिनिशर है। क्रिकेट टीम के कैंप में बाबर आजम ने और इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानी टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया है और कप्तानी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अब मैदान में कूद पड़े हैं शाहीन आफरीदी की कप्तानी को बचाने के लिए। आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट छपी हुई है। कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें शाहिद आफरीदी ने एक स्पेसिफिक जुमला इस्तेमाल किया कि अगर जिम्मेदारी दी है तो फिर वक्त भी दो। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो देखें। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता भी क्या है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान कौन होंगे। दरअसल ये फैसला हो चुका है और मीडिया में आकर फिल वक्त इसका नहीं बताया गया और जो कप्तान हैं उनको भी बता दिया गया है कि वही कप्तान है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर क्रिकेटर्स को भी पता है कि कप्तान कौन है और इस व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा कि वो कप्तान कौन है, क्या बदले गए हैं या उन्हीं को रिटेन किया गया है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड तो हम नहीं कह सकते, प्रोबेबल्स का जो 29 क्रिकेटर्स का स्क्वाड है वो आज से काकोल में ट्रेनिंग कर रहा है और बड़ी सख्त ट्रेनिंग होनी है, उनकी फिटनेस को लेकर सब मामला जो हैं वो बेहतर करने हैं। जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो इतनी मजबूत बनाई गई है, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, वो ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान कौन होंगे। इससे पहले यही होता रहा है कि चेयरमैन पीसीबी फैसला करते रहे, मगर वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दिखाना खब्बी ते मारना सज्जी, ये चेयरमैन पीसीबी साहब ने खुद फैसला कर लिया है कि T20 के कप्तान कौन होंगे, वरना ये सिलेक्शन कमेटी की क्या मजाल, वो सिलेक्शन कमेटी जिनका अपना सरबराही नहीं है तो कौन फैसला करेगा, वहाब रियाज करेंगे, यूसुफ करेंगे, रजाक करेंगे, असद शफीक करेंगे, या कप्तान खुद फैसला करेगा कि मैं कप्तान हूं, कैसी बात है। सिलेक्शन कमेटी में लाइक देखो मुकाबला हम बड़ा इंडिया से करते हैं, ग्राउंड साढ़े उन्हार दे नहीं है, मतलब हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो नहीं उनकी तरह के, वो क्यों नहीं उनकी तरह के, क्योंकि भाई वो पैसा लगाते हैं और हम पैसा खाते हैं, असल में डिफरेंस बेसिकली ये है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आईसीसी की जो डेलीगेशन टीम है वो आई सी पाकिस्तान और उन्होंने जी सारे स्टेडियम्स वगैरह चेक किए हैं और उन्होंने ना जब स्टेडियम चेक किए हैं ना उन्होंने बोल दिया है कि ये है घंटा और हम आपका बजा के जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो स्टेडियम ही नहीं है तो बेसिकली फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती इस सिचुएशन में। अब मैं आपको बात करता हूं असल में हुआ गया, आईसीसी की टीम जब कराची स्टेडियम में गई है डेलीगेशन टीम, तो उन्होंने जब चेक किया है कि जी पहली तो बात है उन्होंने बोला कि ना आपका जो स्कोर बोर्ड है वो पुराना पट्टी किस्म का स्कोर बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है, घंटों ने
पाठी किस्म का इन्होंने पहली तो बात है स्कोर बोर्ड लगाया हुआ था उधर जो है वो कराची स्टेडियम में, उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि जी ये जो स्क्रीन आपने लगाई हुई है ये अभी जो अभी करंट स्टेडियम्स में लगी होती है वो वाली नहीं है, मतलब अभी जो जदीद दौर में लगती है वो वाली है ही नहीं है, ये आपने पुरानी जो है वो स्क्रीन लगाई हुई है। उन्होंने उसके ऊपर जो है वो इशू उठाया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जी आपके स्टेडियम के ऊपर छत अच्छी नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो है वो लोगों के बैठने के लिए जो है वो जगह उठाई है, तो पीछे रह के जाता है, पीछे तो सिर्फ घास रह जाती है, पीछे तो घास रह जाती है। मतलब उन्होंने स्कोर बोर्ड भी रिजेक्ट किया, उन्होंने स्टेडियम्स में चेयर भी रिजेक्ट की है, उन्होंने छत भी रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि इधर इसमें कमरे भी अच्छे नहीं है, वॉशरूम भी अच्छे नहीं है, तो पीछे तो फिर रह जाता है घास। तो वो गधे हो तो गधे घास खाते हैं, तो आप लोग भी घास खा लो, क्योंकि काम तो आप लोगों ने वो किया नहीं है। अच्छा आईसीसी को आगे से फुतरबाजी कर रहे हैं कि हमने जी अभी स्टेडियम्स में ये करना है, हमने ये करना है। आईसीसी ने आगे से बोला है 10 महीने रह गए हैं, मतलब आपने अभी करना है, 10 महीने रह गए आपने अभी करना है, मतलब हम तो आपसे क्लियरेंस लेने आए हैं कि जी आपके स्टेडियम्स रेडी हैं, आपके स्टेडियम्स रेडी हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देखना है। जब आईसीसी की टीम देखने आई है तो वो तो शर्मिंदगी से वापस गई है। देखो आप कम से कम पीसीबी ये तो नहीं ना कह सकता, अब कम से कम पीसीबी ये नहीं कह सकता कि जी इंडिया इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब पीसीबी ये नहीं कह सकता। पीसीबी जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी का मैं उस टाइम सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल ही मैं सुन रहा था जिसमें मोहसिन नकवी ने एक बात की है। मोहसिन नकवी ने बोला है कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो ना आए, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है। ये अल्फाज थे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं आना चाहता तो इंडिया जाए भाड़ में, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा। लेकिन भाई इनके साथ हुआ मोए मोए, जब अगले दिन पीसीबी की टीम आई है, सॉरी आईसीसी की टीम आई है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के स्टेडियम, उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम्स रिजेक्ट कर दिए हैं कि ये तो वो स्टेडियम है ही नहीं जहां क्रिकेट के अब्बू जी जो है वो खेलने आएंगे। मतलब विराट कोहली इन स्टेडियम्स में नहीं आ सकता, सॉरी टू से, विराट कोहली इन स्टेडियम्स में नहीं आ सकता क्योंकि ये स्टेडियम्स तो पाठी हैं, ये स्टेडियम तो पाठी हैं। क्रिकेट इस वक्त राजस्थान रॉयल ने इंडिया के मैदान पर दिखाई है, ऑलरेडी वो 2 टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने मैच जीता तो उन्होंने हमें इस बात पर सोचने पे मजबूर किया है कि वो सीएसके और आरसीबी जैसी तगड़ी टीमों को टक्कर दे सकते हैं और एक मरतबा फिर ये टाइटल अपने नाम कर सकने की सलाहियत रखते हैं। और रह गई रियान की बात, तो जनाब रियान के बल्ले को खून लग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं आपको बताऊँगा कि रियान की जो एग्जिस्टेंस है आपको इंडिया की क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी। यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया है कि रिहान वो बल्लेबाज है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में आपको अपना जलवा पूरी आबोताब के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में दिखाएगा। कल तक हम लोग कोहली की परफॉर्मेंस 77 पे बड़ा खुश हो रहे थे, आज हमें पराग ने बताया कि भाई इंडियन यंगस्टर्स जो है वो किसी से कम नहीं है, हम भी 48-44 बॉलों के ऊपर 84 का स्कोर 84 का स्कोर सेट कर सकते हैं। 22 मैं एग्जैक्ट यही कहने वाला था कि सिर्फ 22 साल की उम्र में कर सकते हैं और वो इंडियन यंगस्टर्स ही कर सकते हैं। भाई तारीख में क्या, मतलब अपनी ज़ात की तारीख की बात करूँगा कि अभी तक जितना मैंने क्रिकेट देखी है अपनी होश में, मुझे इतने बेहतरीन यंग प्लेयर्स इंडिया के अलावा कहीं से निकलते नज़र नहीं आते। क्योंकि आप आईपीएल की एग्जांपल ले लें, आप पीछे वर्ल्ड कप की ले लें, आप उससे पीछे एशिया कप की एग्जाम्पल ले लें, हर जगह इंडियन यंगस्टर्स आके हल्ला बोल रहे हैं, तबाही मचाई हुई है। मैं कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट जो ये आईपीएल कराती है ना सर, वो पता है क्यों कराते हैं? अपने बच्चों का हाथ सेट कराने के लिए। बिल्कुल, उन्हें जरूरत नहीं है, हालांकि इतने महंगे बोलो 24-24 करोड़ के बोल रहे, इसलिए खरीदते हैं हमारे बच्चों को पता लगे आपने ये फेस करने आगे जा। जो सीरीज में और बड़ी बड़ी लीग्स में, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, T20 कप में जाके इन्होंने ओपोनेंट टीम के बड़े प्लेयर्स को फेस करना ना, इंडिया कहता रुको बेटा, वी हैव इनफ मनी, मैं खरीद के देता हूँ। बीसीसीआई कहता है मैं खरीद के घर बुला लेते हैं। वो अमीर माँ बाप नहीं होते जो बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और कहते हैं कि बेटा मैं दोस्तों को घर बुला लूँ, बताओ क्या बनाऊँ, मामा कहती हैं बेटा क्या खाना है आपने बताओ, मुझे तो उन महंगे डिशेज के नाम भी नहीं आते जो उनकी मामा बना के खिलाती हैं। तो बीसीसीआई तो वो करता है कि बाहर से प्लेयर उठाता है, करोड़ों अरबों रुपए के प्लेयर्स खरीदता है, बजट लगाता है, फिर अपने आईपीएल में खिलाता है, अपने बच्चों को उनके सामने खड़ा करता है और कहता है बेटा खुल के खेल, तू हार गया तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू खेल। यार इस बंदे ने पिछला मैच खेला
उसमें भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ इसे 56 नॉट आउट किया और आज इसने मैच खेला और उसके अंदर भी उसने 84 किया 186 की स्ट्राइक रेट के साथ किया। यार ये लड़का यशस्वी जायसवाल का छोटा भाई है, ठीक है, 22 साल का ये लड़का है और यशस्वी ने 2 डबल सेंचुरीज की थी इंग्लैंड के खिलाफ बेस बॉल के खिलाफ। ये बंदा 5-6 मैचों में 5 सेंचुरीज करेगा, ये मेरे से रिटर्न में ले लो। यार उसने नोकिया को इतना मारा है मेरे ख्याल में 25 को स्कोर खिला दिया उसने एक ओवर के अंदर। आई एम गोना से ब्लैक आउट, पूरी इंडिया ब्लैक आउट हो गई थी कि यार ये क्या किया है इसने, अंधेरा छा गया। और सिर्फ पर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था और टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी तब उन्होंने बाबर आजम पे प्रेशर क्रिएट किया था। ये हर बंदे को पता है कि पाकिस्तानी टीम के जो कप्तानी के मामलात हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमेशा अपने हाथ में लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरीके से प्लेयर्स को दबा के रखें, और उन्होंने इसी बुनियाद के ऊपर बाबर आजम को दबाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया था और बाबर आजम से कप्तानी उन्होंने ले ली थी। इनफैक्ट बाबर ने रिज़ाइन किया था। तो शाहिद आफरीदी को सारी सूरत हाल का मालूम है, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो शाहीन आफरीदी के लिए लॉबी की थी वो उसमें कामयाब हुए थे। और कुछ अर्सा पहले तक जब टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही थी तब शाहिद आफरीदी TV पे बैठ के कहते थे कि मैं तो शाहीन को कप्तानी के लिए बैक ही नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दे। और बिल्कुल शाहिद आफरीदी को इसी बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि शाहीन का एशिया कप से जो डाउनफॉल चला आ रहा है वो पाकिस्तान का सबसे प्राइम फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है बतौर कप्तान, उसकी एबिलिटीज़ को हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ में देखा है वो बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं। और ये कह देना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वक्त दे, वक्त तो बाबर आजम को फिर मिलना चाहिए था। एक बंदा टीम को, शाहिद आफरीदी उसके हक में तो बात नहीं कर रहे हैं कि वो एक बंदा पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल खिलवाने वाला वर्ल्ड कप का उसको आपने हटा दिया उसके लिए बात नहीं वो कर रहे। अब वो मुतहरक हो गए हैं जब उनको ये लगना शुरू हो गया है कि जी बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के वापस कप्तान बन रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शाहिद आफरीदी जो हैं उनको बाबर से ही शायद मसला ना हो, क्योंकि जब शादाब की हम बात कर रहे थे कि वो रेस में आगे हैं, खैर शादाब रेस में ज़रूर हैं लेकिन नुमाया नहीं थे। रिजवान का नाम डिस्कस होना शुरू हो गया कि रिजवान भी पाकिस्तान की कप्तानी ले सकते हैं। मोहसिन नकवी को रिजवान बड़े पसंद हैं, वो जिस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं और 4 सीज़न से वो मुल्तान को लगातार फाइनल खिलवा चुके हैं, तो रिजवान का नाम भी, वो तब तक खामोश थे। जैसे ही बाबर का नाम आया है, जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा हिंट दिया है कि बाबर को हम कप्तान बनाने का सोच रहे हैं और बाबर के साथ मामला डिस्कस करेंगे और बाबर से पूछेंगे कि वो किस तरह से कंफर्ट हैं या फिर बाबर से मशवरा लिया जाएगा कि बताएं जी कप्तानी के हवाले से क्या करना है, तो साथ ही शाहिद आफरीदी की मीडिया टॉक भी हो गई है, गुफ्तगु भी हो गई है, अखबारात में खबरें लगना भी शुरू हो गई हैं और नए चेयरमैन को मशवरे देना भी उन्होंने शुरू कर दिए और हो सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू नए चेयरमैन के ऊपर प्रेशर भी डलवाएं। बट मोहसिन नकवी किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी को लेके जो डिबेट है वो सारी बाबर आजम के हक में जा रही है और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो फैसला ज़का अशरफ ने गलत किया था उस फैसले को दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम टीम को कोई बुरे तरीके से कप्तानी नहीं कर रहे थे। अगर हम इंडिया वाला वर्ल्ड कप भी देखें, मैं तो खैर स्टेडियम में अपना हशर नशर देख के आया हुआ हूँ, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी या फिर स्पिनर्स की जब बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा सका है। वो आपको लग रहा है यार जब कैंप अनाउंस हो गया तो कप्तान ना करना तो बहुत बड़ी ज्यादती है, क्रिकेटर्स में वो रहेगा तशवीश रहेगी और ये वो, ऐसी कोई तशवीश किसी क्रिकेटर में नहीं है, सबको पता है कप्तान कौन है, सबको मीन के सीनियर्स को पता है कप्तान कौन है, कप्तान को तो खैर पता ही है कि मैं कप्तान हूँ। दरअसल दीवार पर लिख दिया गया है, दीवार पर लिख दिया गया है कि शाहीन आफरीदी ही पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं और वर्ल्ड कप तक वही कप्तान रहेंगे, बल्कि उनको लंबा टेन्योर भी दिया जा सकता है। ये डिसाइड हो गया, मत पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं हुआ, अभी कोच भी अनाउंस नहीं हुआ और जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे कोच का बकौल चेयरमैन PCB के 2-4 दिन 5 दिन में डिसाइड हो जाएगा। अब चूंकि काकुल में कैंप लगा हुआ है तो उसके लिए कोच का होना जरूरी है नहीं, वो सिंपल फिटनेस को लेकर लगा हुआ है, क्रिकेटिंग के ऊपर है नहीं उस तरह से, मतलब ये जो लॉजिक बनाया जा रहा है, और उसके बाद कोच आएगा फिर कप्तान वाला जो मामला है वो भी अनाउंस हो जाएगा। कहा यह गया कि ये कैंप के दौरान ही कप्तान का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी।
तो फिलहाल गुप्त रखा गया, अनाउंस नहीं किया गया, और ये बात कहना कि सिलेक्शन कमेटी इसका फैसला करेगी ये बिल्कुल गलत है। सिलेक्शन कमेटी की क्या मचाल वो ये डिसाइड करे। एक्चुअल में ये डिसीजन ऐसा है कि आप सिलेक्शन कमेटी के कंधे पे रख के बंदूक चला सकते हैं, बट ऑफकोर्स मोहसिन नकवी साहब ही ये डिसाइड करते हैं। इवन के ये जो 29 नेम्स अनाउंस हुए हैं, ये भी एक दो तीन बैठक हुई हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ। इवन के अनाउंसमेंट के डे में उनके साथ बैठक हुई, उसके बाद जाके ये अनाउंस हुआ। तो ये मामला कह देना कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं या कोई भी चेयरमैन पीसीबी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, वो इंटरफेरेंस नहीं करते या उनका कोई लेना, ऐसा है नहीं। जाहिर है जब वो हेड हैं, जब वो आंसरेबल हैं, तो वो इस तरह के मामलों की खुद देखभाल भी रखते हैं, और उनके पास दोहरी नहीं तिहरी जिम्मेदारी भी हैं। वो नॉर्कोटिक्स के भी मिनिस्टर हैं, वो भी फेडरल के, और यू नो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो ऐसे में लेके मामला ये है कि डिसीजन तो उन्होंने अपने पास रखा है, बट टेक्निकली ऑन मीडिया ये है कि डिसीजन जो है सिलेक्शन कमेटी करेगी। तो शाहीन अफरीदी को हटाने का फैसला कभी किया ही नहीं गया था एक्चुअल में कि शाहीन अफरीदी को हटा दिया जाए। हाँ, ये बात सच है कि पहले थोड़ा लिंगरोन जरूर रखा कि शाहीन अफरीदी हों या कोई और हों, और दूसरे जो दो तीन नाम चले, बाबर आजम का, शदाब का, रिजवान का, इनमें कहीं पर भी मामला उस तरह से पहुंचा नहीं कि हाँ इनको बना दिया जाए, क्योंकि शाहीन अफरीदी ही हमेशा मजबूत कैंडिडेट रहे हैं, और बहुत से क्रिकेटर्स का टेक्निकली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख्याल यही था कि यार अभी एक सीरीज तो खेले हैं, और एज ए कैप्टन उन्होंने आप लीग, अगर आपने डोमेस्टिक के ऊपर ही परफॉर्मेंस देखनी है, लाइक जैसे बाकी कप्तानों का जिक्र हो रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। अगरचे बहुत से क्रिकेटर्स का ये ख्याल है कि इस PSL को देखा जाए, और मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि रिजवान की कैप्टनसी बहुत बेहतर रही है, मगर इसको देखकर जाहिर है उस तरह से डिसीजन नहीं होता। वो दूसरी तरह से और भी बहुत से फैक्टर हैं, जो जब ऐलान होगा तो बताऊँगा क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही होती हैं एक्चुअल में। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फिर शदाब भी कैंडिडेट हैं, जबकि जो कि वो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और खुद शदाब खान बोल चुके हैं कि यार शहीन तो एक ही सीरीज में है। आमिर के स्टेटमेंट आपने देख ली, उन्होंने बोला कि शहीन को नहीं बदलना चाहिए, किसी भी क्रिकेटर से पूछ लो कहेगा नहीं बदलना चाहिए। तो इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही। चार स्टेडियम है आपके पास, जिसमें एक स्टेडियम कराची, लाहौर, मुल्तान और पिंडी, चारों तो रिजेक्ट हो गए हैं। मतलब कितना कुछ चार स्टेडियम्स पे गुजारा करोगे, मतलब कितना कुछ टाइम आप चार, मतलब ICC की टीम ने कराची का स्टेडियम तो प्रॉपर आपका रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला लाहौर में भी नहीं होगा, कराची में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पिंडी में तो उन्होंने बोला है ये तो स्टेडियम कम और रंडीलो ना ज्यादा है, ये तो चकला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इधर तो छाती वाली कुर्सियां तो बैठने की जगह ही नहीं है। कराची का जो स्टेडियम है भाई, उन्होंने बोला ये तो अंधेरा है, ये स्टेडियम कम और अंधेरे वाली गली ज्यादा लग रही है। मतलब फुल अंधेरा होता है कराची स्टेडियम में, सीटें खराब हैं, बैठने की जगह नहीं है यार, आपके जो है वो ऊपर रूफ टॉप नहीं है, आपका स्कोर बोर्ड खराब है। ये मैं तो देखो, मैं एक पाकिस्तानी बंदा बताऊंगा तो मुझे बोलेंगे कि यार ये व्यूज के लिए करता है। अब ICC की टीम रिजेक्ट करके गई है, अब ICC की टीम चीजें रिजेक्ट करके गई है, जब वो चीजें रिजेक्ट करके गई है तो मीन्स उसे डैट के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। ICC